तो यहाँ पे मेरे साथ एक चाइनीज फ्रेंड है, तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि ये जगह कैसी है और यहाँ पे शॉपिंग करना कैसा है और एक्सपेंसिव है या सस्ता है और उसने क्या चीज़ें ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी ताहिर। मैं अभी मौजूद हूँ लुदाको सबवे स्टेशन पर। तो यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है जिसका नाम है माचुआन इंग शॉपिंग सेंटर। ये शॉपिंग सेंटर दूसरे शॉपिंग सेंटर से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि दूसरे शॉपिंग सेंटर जितने भी हैं वो प्लाजे टाइप में हैं, लेकिन ये ओपन शॉपिंग सेंटर हैं, ओपन इन्वायरमेंट है, इसमें नेशनल इंटरनेशनल हर तरह के ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे लुदाको सबवे स्टेशन पर, तो मैं आपको बताता हूँ कि उस शॉपिंग सेंटर पर किस तरह जाते हैं और कौन सी लाइन पे बैठना है। तो और देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे जाना है वहाँ पे। तो मैं ये लुदाको सबवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, तो अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ वहाँ पे लाइन नंबर और जिस स्टेशन पे हमने उतरना है। तो आप मेरे साथ रहिए। पीछे चाहे वो फंगा लाएगा चुंगवा न्यू फाइल रन वो मन खाई से था लिया था एनी हाउ हां निशान ला चुनार ला औसन आ नीचे वार ला नीचे तो चेगा एक चुंगशिन से शिवू हाउशन जो शि माचवानिंग माचवानिंग नीचे तो मैं आना चेगा दीपा हाँ। तो ये अभी मुझे सबवे पर चाइनीज लड़की मिली है, तो उससे मैंने चाइनीज में बात किया है। तो उससे मैंने पूछा है कि आप कहाँ जा रही हो और इस शॉपिंग सेंटर के बारे में पूछा है, तो कहते हैं वो तो नहीं गई, लेकिन मुझे दोस्त ने बताया ये बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर है, चलो देखते हैं। तो मैं अभी पहुँचा हुआ हूँ ये लाइन 15 पर लुदाको स्टेशन पर। तो यहाँ पे आप देखें लुदाको से है तकरीबन ये वाला सबवे स्टेशन है माचुआन इंग, ये तकरीबन है 10वें स्टेशन पे हमने उतरना है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे सबवे का, तो जैसे सबवे आती है तो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ रहेगा और दिखाते हैं कि ये शॉपिंग सेंटर कैसे हैं। अच्छा, तो मैं सबवे पर मौजूद हूँ, यहाँ पे कुछ चाइनीज खड़े हैं, तो इनसे पूछता हूँ ये कहाँ जा रहे हैं, देखो क्या चाइनीज बात करते हैं या ये शर्माते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं।你好。你好。哎,你是哪里的?中国的哪个地方的?河北省。河北省,我去过河北沧州,你知道沧州?沧州。沧州。你不知道?那你来北京干什么?来北京玩耍。什么?玩。玩了。好嘞,那现在你们准备去哪?准备去望京。望京。望京。 तो ये स्टूडेंट्स खड़े हैं चाइनीज, इनसे मैंने पूछा है कि ये कहाँ से आए हैं। तो ये खबे एक प्रोविंस है बीजिंग से तकरीबन कोई 500-600 किलोमीटर होगा। तो ये वहाँ से आए हुए हैं, समर हॉलीडेज हैं, तो ये भी अपने समर हॉलीडेज इंजॉय करने के लिए आए हैं। कहते हैं कि हमने यहाँ पे एक वीक रहना है, तो ये भी कोई इसी जगह पे जा रहे हैं। तो अभी ये सबवे ट्रेन आने वाली है, तो अपना सफ़र शुरू करते हैं हम। तो अभी हम सबवे के अंदर हैं, तो अभी हम जा रहे हैं माचुआन इंग स्टेशन पर और वहाँ पर ही वो शॉपिंग सेंटर है। तो चलो हमारे साथ दिखाते हैं आपको। तो अभी मैं ये सबवे लाइन के अंदर बैठा हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ दो चाइनीज लड़कियाँ हैं, इनसे पूछता हूँ ये कहाँ जा रहे हैं और इनसे बात करते हैं। एनी हाउ 你可以说韩语吗？你可以说英语。啊，我说你可以说英文吗？不可以说。一点可以说啊。也，我问你，他问我，你可以说韩语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 吗？不可以说。一点可以说啊。也，我问你，他问我，
Shaanxi province. Beijing 多少公里？差不多，你知道。OK. 那你现在去哪儿了？Olympic 啊，都也毕竟那个 Olympic Park 都也往那边走，人家开那个晚上的 time。啊，你来北京多久了 ？2 days. 啊，比没人说不差，给阿婆们个。बीजिंग आए हुए कितने दिन हुए ये अभी कह रही है कि 2 दिन हुए हैं ट्रेवल करने के लिए नीचे था बीजिंग फैंसी जमा यांग था
लिटिल हॉट है। मैंने तो पूछा है कि बीजे का मौसम कैसा है, तो ये कह दिया थोड़ा हॉट है। तो अभी हम पहुंच गए हैं ये माचुआन इन सबवे स्टेशन पर लाइन 15 पर ना, तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ किस एग्जिट से बाहर जाना है और उस शॉपिंग सेंटर तक हमने कैसे जाना है। तो इस सबवे स्टेशन से ना ये नॉर्थ ईस्ट एग्जिट बी से हमने बाहर जाना है। तो यहाँ से बाहर जाते ही हमने राइट साइड पर टर्न होना है और सामने ही वो शॉपिंग सेंटर हैं। तो ये अभी मैं सबवे से बाहर निकले हैं लाइन 15 पे। तो आप लोग देखो ये सामने शॉपिंग सेंटर्स हैं, थोड़े ये एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन आप यहाँ पे विंडो शॉपिंग के लिए आ सकते हो, इंटरटेनमेंट के लिए आ सकते हो। आप देखें ये शॉपिंग सेंटर्स दूसरे शॉपिंग सेंटर से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। ज़्यादातर ऐसे शॉपिंग सेंटर होते हैं जो प्लाजा शेप में होते हैं, लेकिन आप ये देखें यहाँ बिल्डिंग्स प्लाजा टाइप की नहीं है, जस्ट सिंपल और ओपन शॉपिंग सेंटर हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ, दूसरी बार आ रहा हूँ। मुझे यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है। आप यहाँ पे विंडो शॉपिंग के लिए आ सकते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए आ सकते हैं। तो चलो आपको डिफरेंट ब्रांड्स में दिखाता हूँ और दिखाता हूँ ये शॉपिंग सेंटर्स किस तरह के हैं। देखें ये जगह कैसी है, मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं कहूँगा जब आप स्टडी में एक्सपेरिमेंट्स लैब वर्क से फ्री हूँ, तो अगर इन्जॉय करना है आप लोगों ने, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ, आप लोगों को ये जगह बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पर आप देखें शॉपिंग के साथ साथ आप कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हो, ये स्टारबक्स कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी शॉप्स तो और भी बहुत होंगे, लेकिन इस जगह का ख़ास मज़ा ये है कि ओपन एनवायरनमेंट में है, आप यहाँ पर बैठ के मज़े से कॉफ़ी पी सकते हैं। ये देखो चाइनीज़ लोग बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं और ऊपर से आसमान ब्लू वाइट नज़र आ रहा है। बीजे का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है इन दिनों में। और बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे साथ एक चाइनीज़ फ्रेंड है, तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि ये जगह कैसी है और यहाँ पे शॉपिंग करना कैसा है और एक्सपेंसिव है या सस्ता है, और उसने क्या चीज़ें ली है। अभी मैंने इससे पूछा है कि यहाँ पे आके इसने कितना खर्चा किया ना, तो कह रहे 2000 युआन, मतलब 2000 का मतलब इसने अभी एक दिन में 80,000 रुपये खर्च किया है। ओके थैंक यू। तो दोस्तों ये जगह थी माचुआन शॉपिंग सेंटर। तो आप लोगों के पास अगर टाइम है और आप विंडो शॉपिंग के लिए आना चाहते हैं, तो ये बेस्ट जगह है और यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करें। सी यू।